नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल सुतेल। मध्य प्रदेश के जाने माने कंप्यूटर बाबा 18 अक्टूबर को एक दुर्घटना का शिकार हो गए। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बुरहानपुर जिले के ग्राम इजरी के समीप दोपहर करीब 12:30 बजे कंप्यूटर बाबा के वाहन को सामने से एक ट्रॉले ने टक्कर मार दी। हादसे में कंप्यूटर बाबा तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनका ड्राइवर घायल हो गया, जिसे बुरहानपुर जिला अस्पताल भेजा गया। बाबा खंडवा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करने जा रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ। बता दें, बाबा के मुताबिक कार में उनके साथ 5 साधु संत थे। कार के पीछे भी एक गाड़ी थी। उनकी कार को जीरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रॉले ने टक्कर मार दी। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर भारी भीड़ जमा हो गई। हादसे से घबराहट के कारण कंप्यूटर बाबा का बीपी बढ़ गया, वो सड़क पर ही लेट गए। वहीं हादसे के बाद कंप्यूटर बाबा ने गंभीर आरोप लगाए। हादसे को लेकर कंप्यूटर बाबा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इसकी जांच कराए जाने की बात कही है। उनका कहना है कि ये एक हादसा नहीं बल्कि उन्हें मारने की साजिश की गई है। इस मामले में उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसा जानबूझकर उन्हें मारने के लिए किया गया है। बताया जा रहा है कि इंदौर इच्छापुर हाईवे पर गिरी के समीप ट्राले का एक पहिया अचानक पंचर होने से वाहन असंतुलित होकर सामने से आ रही कंप्यूटर बाबा की कार से टकरा गया। हादसे में कार का सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों की मदद से ड्राइवर को तत्काल दूसरे वाहन से बुरहानपुर रवाना किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक बाबा खंडवा उपचुनाव के लिए प्रचार करने जा रहे थे, जहाँ कंप्यूटर बाबा कांग्रेस प्रत्याशी राजा नारायण सिंह के पक्ष में प्रचार करते। कंप्यूटर बाबा का असली नाम नामदेव दास त्यागी है, लेकिन वो कंप्यूटर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। वो मूल रूप से जबलपुर जिले के बरेला गांव के रहने वाले हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभा में उपचुनाव के लिए 3 अक्टूबर को वोटिंग होगी, वहीं 2 नवंबर को मतगणना होगी। दरअसल खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद ये लोकसभा सीट खाली चल रही थी। इस खबर का इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।